ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। आज मेरे लिए थोड़ा सा कठिन समय है, क्योंकि आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं, कुछ 1500 तक मैंने वीडियो बनाए होंगे दोनों चैनल के मिला के सारे फ्रंट कैमरे से बनाए हैं। आज पहली बार मैं बैक कैमरे से वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे थोड़ा अनइजीनेस हो रही, क्योंकि मुझे अपने आपको स्क्रीन में देखने की आदत पड़ गई है। मैं क्या कर रही हूँ मुझे उसमें पता चलता था, आज मुझे पता नहीं चलने वाला है मैं क्या कर रही हूँ। तो मित्रों, आई होप आप समझ लेंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं कैमरे की तरफ देखना भूल जाती, पहले भी भूल जाती थी, अभी तो बिल्कुल भी कैमरा समझ में नहीं आ रहा कहाँ है, पता चल रहा है यहाँ है, बट कभी कभी आगे पीछे हो रहा है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, दूसरी बात, आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, इस पर मैंने एक पहले वीडियो दिया है, हमारी पुलिस जांच विभाग में हमने वो वीडियो दिया है। एक दीपक के माध्यम से हमने बताया था कि डिप्रेशन कैसे अपना कंट्रोल करें, और साथ ये भी बताया था कि कफ वात पित्त, कफ पित्त वात, क्रम ये है कफ पित्त वात, वो ज्यादा लेना सही रहेगा। तो कफ पित्त वात क्या है और ये हमारे शरीर में कैसे होता है, दीपक के माध्यम से मैंने पूरा स्पष्ट किया था, आशा आपको स्पष्ट हुआ होगा। और उसके बाद मैं आपको आगे का वीडियो देने जा रही हूँ, सारे वीडियो मेरी प्लेस जांच विभाग का हिस्सा बनेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो में जो बताने जा रही हूँ, कफ पित्त वात क्या होता है, ये कौन से तत्वों से कैसे प्रभावित होता है, इसको टेस्ट कैसे इफेक्ट करते हैं, ये सुबह दोपहर शाम हमारी उम्र और साथ ही वातावरण यानी कि जलवायु से कैसे प्रभावित होता है, मैं सारी बातें बताने का प्रयास करूंगी। और मित्रों, इस पर आपके बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, मैं जानती हूँ। तो आपके जितने भी प्रश्न हो सके तो कमेंट वीडियो पे करिएगा, क्योंकि कहीं आप और कमेंट करते हैं तो मेरे से कमेंट खो जाती है, तो मैं उस कमेंट को शामिल नहीं कर पाती हूँ। तो जितने भी प्रश्न आप वीडियो पे डालेंगे तो मुझे देखने में आसानी होगी, क्योंकि देखना तो मुझे ही सब जगह है, पर हाँ क्या होता है वहां पे फिर कमेंट कलेक्ट करना कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, तो उसमें समस्या हो सकती है। तो सारी कमेंट हो सके तो वीडियो पे करिएगा, ताकि मुझे भी आसानी हो। और मित्रों, मैं आपको ये पूरा क्लियर बताऊंगी, और जहां आप कंफ्यूज होंगे वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। और एक बात और बता दूं मित्रों, वैसे तो कफ पित्त वात तीन है, मूल तीन है, पर इनको सामान्य भेद देखने जाएं तो दो दो प्रकृतियां मिक्स हो जाती है, उसमें हम सात भेद करते हैं, तीनों मिक्स है वो भी होता है। और यदि उसको और विस्तार से देखा जाए, किसी घट वृद्ध, कोई कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, कोई न्यून अधिक होता है, उसमें देखने जाए तो 62 प्रकार बनते हैं। और यदि और विस्तार से देखने जाए तो जितने हमारे शरीर में नस नाड़ियां हैं उतने प्रकार इसके बन जाते हैं, कि उतना ये होता है। अब मित्रों, इसको दोष क्यों कहते हैं पहले वो भी स्पष्ट कर दूं। क्या है ना, कफ पित्त वात ये तीन है, इसलिए त्रि हो गया। और दोष इसलिए कहते हैं मित्रों कि इसका जरा सा भी डिसबैलेंस होता है, यानी कि कफ घट गया, पित्त बढ़ गया, पित्त घट गया, कुछ भी जरा सा डिसबैलेंस होता है, बस वहीं से हमारे शरीर में छोटा मोटा या जैसे घटबड़ होती है वैसे ही रोग हो जाता है, यानी कि इसकी कमी वृद्धि से रोग होता है, इसलिए इनको दोष कहा जाता है। इनका नाम है दोष, जैसे हम मनुष्य हैं वैसे ये दोष हैं। अब ये तीन है तो कफ पित्त वात इनका अलग अलग नाम है, जैसे मेरा नाम प्रभा है, आपका नाम कुछ है, तीसरे का नाम पूजा है, कुछ जैसे ऐसे। तो मित्रों, इनके ये दोष हैं, पर इन दोषों के तीन नाम है, ये दुनिया में तीन ही दोष हैं, तो इनके तीन नाम है कफ पित्त वात। तो आशा है त्रिदोष क्यों कहते हैं वो आपको स्पष्ट हो गया होगा, दोष क्या है ये वो स्पष्ट हो गया होगा। चलिए, अब मैं आपको इस पे लेके आती हूँ कि किन तत्वों से कौन सा दोष बनता है, कैसे क्या होता है, क्योंकि क्या है ना, इस संसार में हम जानते हैं कि पंच तत्वों से ही पृथ्वी चल रही है। कौन से पंच तत्व है पहले वो बता दूं, पृथ्वी, मैं क्रम इसलिए बता रही हूं क्योंकि क्रम से जानेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, और ये वजन से क्रम हो जाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब इसको याद कैसे रखेंगे, मैंने पहले कई बार आपको बताया है, तो मुद्रा के वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया कि कौन सी उंगली याद रखनी तो कैसे याद रखेंगे। तो मित्रों, आपको क्लियर हो गया कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। वैसे ही मित्रों, पंच तत्वों से कफ वात पित्त, कफ पित्त वात भी प्रभावित होते हैं। मेरे को आदत पड़ गई कफ वात पित्त बोलने की, पर वो सुधारनी पड़ेगी, कफ पित्त वात, क्योंकि तीन का क्रम यही है। तो चलिए, आज मैं आपको वहीं से शुरुआत बताती हूँ कि कौन से तत्वों से कौन सा हमारा जो दोष है वो प्रभावित होता है, यानी कि उसमें किसका असर होता है। जो कफ दोष होता है ना मित्रों, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं पृथ्वी और जल, दो तत्व। मैंने एरो इसलिए बना रखा है उस तरह से ताकि आपको समझ में आए, कफ दोष जो होता है उसके लिए पृथ्वी और जल दो ये जिम्मेदार होते हैं। वैसे पित्त के लिए जिम्मेदार होता है जल और अग्नि। अब बोलेंगे पित्त में तो गर्मी होती है तो इसमें जल कैसे होगा, मित्रों जल है तभी तो सम रहता है, वरना अग्नि इतनी बढ़ जाए कि शरीर को जला के राख कर दे, इसलिए दोनों का साथ में होना आवश्यक है। इसलिए जल और अग्नि यदि एक की अधिकता हो जाती है कफ के साथ चला जाता है, और न्यूनता हो जाती है तो गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए जल अधिक हो जाए तो कफ वृद्धि हो जाती है साथ में, और अग्नि अधिक हो जाए तो पित्त बढ़ जाता है, इसलिए दोनों साथ में होते हैं ये। अच्छा, उसके आगे बढ़ते हैं वात। वात में क्या है मित्रों, वायु और आकाश,
ये दोनों हैं। अब मित्रों मैं एक सामान्य व्यक्ति जो पूरा शरीर है मैं उसको दिखाना चाहूं इस पे, तो मैं आपको कैसे बताना चाहूंगी, पृथ्वी और जल दोनों कफ जैसे कि मैंने बता दिया। तो आपने कभी किसी शरीर को देखा होगा भारी भरकम, मोटा तगड़ा शरीर है, भारी भरकम जिसे हम कहते हैं, वो कफ प्रकृति वाले लोग होते हैं। जिनका शरीर भारी भरकम होता है उनकी मूल प्रकृति कफ होती है, क्योंकि पृथ्वी और जल दोनों ही भारी होते हैं, ये हल्के नहीं होते हैं, इसलिए उनका वजन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कफ के जितनी भी आगे चीजें आएंगी हम जब स्वाद में बताएंगे तब आपको पता चलेगा, ये सब भारी होती है, गरिष्ठ होती है। अच्छा, उसके बाद पित्त में अग्नि, जल और अग्नि है। तो मित्रों जल और अग्नि जो है, अग्नि थोड़ी हल्की होती पर उष्ण होती है, गर्म होती है, और जल ठंडा होता है, तो पर इससे यह हल्का होता है। यानी कि कफ वालों का वजन जितना होगा पित्त वालों का उतना नहीं होगा। मैं मोटा शरीर से पूरा शरीर बता रही हूं आपको, एक शरीर से आप कैसे देखेंगे, फिर आगे हम जाके धीरे धीरे और डिटेल में जाएंगे तो आपको और क्लियर पता चलेगा। तो पित्त जिनका होता है उनका शरीर मेरे जैसा होता है, यानी कि सामान्य, ना वजन ज्यादा होगा ना वजन कम होगा। हम जैसे जो लोग होते हैं वो पित्त प्रकृति वाले होते हैं, तो सामान्य होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आसपास जो लोग हैं आपकी प्रकृति एक सामान्य कैसी है। अच्छा, उसके बाद जो वात प्रकृति है वो वायु और आकाश तत्व से बनती है। तो मित्रों वायु और आकाश जो तत्व हैं, आप देखेंगे वायु में वजन कितना होता है, आप समझ सकते हैं। एक फुग्गे में, एक गुब्बारे में आप मिट्टी भर दो कितनी भर जाएगी, जल भरो कितना आएगा, अग्नि तो घर भर ही नहीं जा सकते, और हवा भरोगे तो कितनी हल्की होती है, और स्पेस में तो वजन है होता ही नहीं है वैसे देखा जाए तो। तो वात वाले जो है ना, हम जो कई बार कहते हैं ना फूक मारो तो उड़ जाए, वजन ही नहीं, इनका वजन ही नहीं बढ़ता है, वो वात प्रकृति के लोग होते हैं, उनका वजन बहुत कम, रेयरली बढ़ता है। कुछ प्रकृति उल्टी हो जाए तो वजन भले बढ़ जाए, अन्यथा उनका वजन नहीं बढ़ता है। अब मैं मित्रों इसको हाथ में बताऊंगी तो वैसे ये पंच तत्वों से नहीं जाएगा, यानी कि ऐसा शरीर है, मोटा शरीर है तो वो कफ वाला है, ऐसा शरीर है तो समझो वो पित्त वाला है, और ऐसा नहीं कि दुबला पतला, छोटा नहीं दुबला पतला शरीर है तो समझो वो वात वाला है। मैंने वात प्रकृति वाले बहुत लंबे भी देखे हैं, इसलिए हाइट के इस पे डिपेंड नहीं है, पर हाँ बॉडी का ये हमारा स्ट्रक्चर जो है ना, मोटा पतला होना वो इस पे डिपेंड करता है। तो आशा है आपको एलिमेंट स्पष्ट हो गए होंगे, कफ वात ये जो, अच्छा इसको इंग्लिश में बता दूं, पृथ्वी यानी के अर्थ, जल यानी के वाटर, और अग्नि फायर, अग्नि फायर और वायु एयर, और आकाश यानी कि स्पेस, आई थिंक स्पेस, क्योंकि मुझे उतना क्लियर नहीं है। और कफ वात पित्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कफ पित्त वात को मुझे पता नहीं है, वो आप जरा सर्च कर लीजिएगा। पर हाँ इसके आगे बढ़ते हैं, टेस्ट यानी कि जो स्वाद होते हैं ना मित्रों, स्वाद पर मैं एक अलग वीडियो आपको दूंगी, ताकि आपको कौन सा स्वाद, क्योंकि कई बार क्या होता है ना हम कोई चीज देखते हैं स्वाद है, इसमें स्वाद हमें दिखता है कुछ और बाद में कुछ और भी महसूस होता है, ऐसा भी होता है। उसके अलावा उस पर कलर भी डिपेंड करता है कि कलर कौन से एलिमेंट को प्रभावित कर रहा है। तो मित्रों बहुत सारी बातें टेस्ट में, और जब हम कोई पदार्थ देखते हैं ना, जैसे टेस्ट के अनुरूप कोई भी चीज होती है, जैसे हमने मेथी देखी, शहद देखा, घी देखा, तेल देखा, बहुत सारी चीज हम बात करेंगे आगे, तो उसमें क्या गुण है वो उसके कलर, उसकी स्थिति और उसका स्वाद सब कुछ डिपेंड करता है, और वो कहाँ पैदा होता है उस पर भी डिपेंड करता है, वो मैं अलग से आपको एक वीडियो दूंगी। पर हाँ अभी टेस्ट की बात आई है तो टेस्ट पे मैंने इसलिए आपको इतना भी बता दिया कि टेस्ट पर मैं अलग से वीडियो देने वाली हूँ। टेस्ट इस संसार में 6 माने जाते हैं, कोई कोई क्षार को भी टेस्ट मानता है, बट आयुर्वेद जो है वो 6 ही टेस्ट मानता है, 6 ही स्वाद होते हैं ऐसा कहता है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के अनुसार जो 6 स्वाद हैं, और इसी में स्वाद में जो मिला के बना लेते हैं, जैसे हम कहते हैं रंग 3 है, मूल रंग 3 है, और उसमें बना मिला के आप कितने भी रंग बना सकते हो, वैसे ही स्वाद में मूल 6 है, उनमें मिला के आप कितने भी स्वाद बना लो, जैसे खट्टा मीठा मिला ले तो कुछ और बन गया, पर आप उसको कुछ भी नाम दे दो, पर मेन स्वाद वही है। तो चलिए स्वाद कौन कौन से मैं आपको पहले वो बता दूंगा, मधुर यानी के मीठा, मीठा स्वाद कैसा होता है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अम्ल यानी कि खट्टा, अम्ल यानी कि आंवला, सीधा बता दूं। अच्छा मधुर जो ये मधुर कहता है ना, का मधुर, वो शहद से मधुर नाम पड़ जाता है, पर शहद मूलता क्या है वो भी मैं आपको कभी शहद पर वीडियो बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी। तो मधुर, अम्ल, लवण, लवण नमक, नमकीन चीज है उसको नमक कहते हैं। कटु, अब यहां कटु और तिक्त में आप थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाले, इसलिए स्पष्ट करें, हम कटु के साथ बोलेंगे चटपटा यानी कि चरपरा, क्योंकि चरपरा शब्द इसलिए सही रहेगा क्योंकि कटु से आप सीधा कड़वा जोड़ लोगे, तो कड़वा और कटु नहीं है मित्रों, कड़वा कटु एक नहीं है। कटु यानी कि चरपरे यानी कि जैसे मिर्ची कहते हैं वो कटु होता है, चरपरे ही होती है, उसको हम कटु कहते हैं, संस्कृत में कटु कहा जाता है। और तिक्त यानी कि जिसे हम करेला कहते हैं, नीम कहते हैं, वो तिक्त होता है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कड़वा कहते हैं। तो यहां आप कई बार मिस्टेक कर लेंगे, इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर रही हूं कि इसको हम कटु की
कटु के साथ चरपरा कहेंगे और तिक्त यानी के करेला जैसा कड़वा। आप ये कहेंगे कि लिखने में गलती तो नहीं, नहीं, आयुर्वेद यही बताता है, मैं वही आपको बता रही हूँ। चरक संहिता में इसी तरह से वर्णित किया गया, तो मैं आपको उस अनुसार बता रही हूँ ताकि आपको शब्द स्पष्ट हो कि हमें कुछ शब्द पता होने चाहिए जो हमारी मूल भाषा के हैं। हमें वो पता नहीं होते, कई बार हमें पढ़ने को आते हैं, क्योंकि जैसे मुझे भी पता नहीं था जब मैंने पढ़ा तो मैं कहा कटु यानी तो कड़वा होता है, ये कटु में चरपरा मिर्ची क्यों बता रहे हैं। फिर बाद में मैं कहीं कुछ गलत छप गया, पर बाद में समझ में नहीं, गलत नहीं छप गया, हम खुद गलत हो रहे हैं। तो ऐसी बात है मित्रों, इसलिए हमें पता होना चाहिए, नहीं तो आप कभी कुछ आयुर्वेद की पुस्तक पढ़ो आप बोलोगे यहाँ तो कटु ये तो मिर्ची लिखी है तो गलत लिखा है, मेरे जैसे आपका भी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसे मैं आपको स्पष्ट कर दिया। और कषाय, कषाय यानी कि कषाय कैसा स्वाद होता है मित्रों, आपने कभी जामुन खाया है, जामुन की गुठली का जो स्वाद होता है ना वो कसैला होता है। और मित्रों हम जो दालें खाते हैं ना उसके छिलके जो होते हैं ना उसमें लास्ट में थोड़ा सा कसैला स्वाद आता है। और वैसे ही बता दूं आम की जो गुठली होती है ना, हमने आम खा लिया, आम चूस लिया, उसके बाद जो गुठली होती है उसको फोड़ा जाए तो उसके जो बीच में से निकलता है ना वो कसैला स्वाद होता है। उसके अलावा बताऊं तो आंवला जो है, आंवले में एक स्वाद अम्ल है, खट्टा है, और दूसरा जो स्वाद है ना वो कसैला है। तो आप इस तरह से कसैला स्वाद को समझ सकते हैं। इस पर मैं अलग से उदाहरण भी आपको दूंगी जब इसका टेस्ट पर वीडियो बनाऊंगी, तो पूरा आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। तो ये हमारे छह रस हो गए। अब मित्रों कौन सा रस हमारे कफ पित्त वात पर कैसे इफेक्ट करता है वो बता दूं मैं आपको, और इसको आपको थोड़ा ठीक से समझना होगा क्योंकि इसमें दो भाग बनते हैं। दो भाग ऐसे बनते हैं मित्रों कि जो छह रस हैं इसमें से तीन रस हर दोष को बढ़ाते हैं और तीन रस हर दोष को कम करते हैं। स्पष्ट हुआ होगा, तीन रस खाने से वो दोष बढ़ता है तो तीन रस खाने से दोष खत्म भी होता है, इनके शमन भी होता है, इनके शांत भी होता है। तो जब वो अलग से बताऊंगी, पर हाँ अभी मैं मोटा मोटा आपको बता रही हूं। जैसे कफ दोष जो है मित्रों, कफ दोष जो बढ़ता है यानी कि कफ दोष जो बढ़ता है, जो कहते हैं ना इंक्रीज होता है, कफ जिनकी प्रकृति जैसे उनको क्या नहीं खाना चाहिए, उनको वो किससे बढ़ता है पहले वो बता दूं, किससे बढ़ता है कफ दोष जो बढ़ता है वो मधुर अम्ल और लवण खाने से बढ़ता है, यानी कि मीठा नमकीन खट्टा और नमकीन खाने से बढ़ता है। यानी कि जिसको कफ होता है, जिसको बार बार बलगम बनता है, सर्दी जुखाम होता है, तो उसको कहा जाता है आप मीठा मत खाइए, आपको मीठा नुकसान करेगा, आप नमक ज्यादा मत खाइए, ये व्हाइट पॉइजन होते हैं, उनको बताया जाता है। और वैसे उनको कहता है खट्टा मत खाना, कफ हो जाएगा, तो इस तरह से उनको खट्टा मना किया जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कफ को बढ़ाने वाले ये तीन तत्व है। तो इसका मतलब है सीधे उसके जो बचे तीन कटु तिक कष, यानी कि चरपरा, कड़वा और कसैला, ये कफ को कम करने वाले हो गए। क्योंकि मैंने इसलिए यहाँ नीली लाइन अलग दी है और ये बात को है तो ये मैंने अलग बताया। तो जो बच गए हैं ये तीन छोड़ दो, तो ये तीन जो बच गए हैं वो कफ को शमन करने वाले होंगे। इसलिए आपने सुना होगा ज्यादातर जो दवाइयां होती है ना कफ के सारी कड़वी होती है, क्योंकि कड़वी जो दवाइयां हैं वो जल्दी काम करती है इसे, और ज्यादातर शुरुआत वहीं से होती है उस बच्चों की, तो कड़वी दवाई पिलानी पड़ती है, अब तो कहा जाता है। अच्छा, अब जो पित्त जो बढ़ता है ना, पित्त जिससे बढ़ता है यानी कि पित्त पोषित होता है उसके बाद बढ़ जाता है। मित्रों एक बात समझिए, कोई भी चीज यदि हम संतुलन में लेते कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हम जब ज्यादा कर लेते तो प्रॉब्लम होता है। तो जो पित्त बढ़ता है ना मित्रों वो अम्ल लवण और कटु यानी कि खट्टा नमक और चरपरा, कटु यानी चरपरा, मैं बार बार ये बोलूंगी ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए, तो उसको खाने से पित्त की वृद्धि होती है। यदि प्रमाण में खाए तो कोई कुछ नहीं बढ़ता, पर कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है ना, खट्टा बहुत खाते हैं, तीखा बहुत खाते हैं, उसके साथ नमक भी, ऊपर से नमक चाहिए, तो ऐसे सभी लोगों का आप देखेंगे पित्त बढ़ा हुआ होता है। और इनका जब पित्त बढ़ता है तो पित्त शांत करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें होता है तिक्त, कषाय और मधुर। क्योंकि जो तीन बच गए हैं तिक्त, कषाय और मधुर, यानी कि कड़वा, कसैला और मीठा, ये पित्त को शांत करने वाले होते हैं। तो मित्रों जिनको पित्त बढ़ाया जा रहा है खुश हो जाए कि आपको मीठा खाने को मिलने वाला है, आप तीखा नहीं खाएंगे चलेगा, नमक नहीं खाएंगे चलेगा, खट्टा नहीं खाएंगे चलेगा। क्योंकि मुझे बचपन में मीठा बहुत पसंद था, तो मेरी माँ ने एक दिन बोला कि नमक मैं कम खाती थी, तब भी नमक कम खाती थी, आज भी मैं नमक कम खाती हूँ, मेरा एक किलो नमक आठ महीने चल जाता तो, और एक तीन किलो मीठा एक दिन एक महीने मेरे को लगता है, ऐसा मेरा होता है। तो मित्रों ये मेरा इतना ज्यादा अंतर है। तो हाँ, तो क्या है ना कि जो पित्त है तो वो तिक्त, कषाय और मधुर से शांत होता है। अच्छा, उसके अलावा अब मैं आपको बता दूं वात क्या है। वात जो है ना कटु तिक्त कषाय तीन से बढ़ता है, तो ये जब तीन से बढ़ता है तो आप स्वाभाविक है कि इन तीन से शांत होता है। अब आप बोलेंगे कि क्या बात है भाई, ये तो पूरा उल्टा हो गया। अब आप देखेंगे मित्रों, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था वात वालों का शरीर कैसा होता है, सुकड़ा पतला होता है। अब उनको मोटा करना है तो अभी उनका थोड़ा शरीर सही होगा ना,
तो उनको ये जो कफ बढ़ाने वाली चीजें वो देनी चाहिए। तो ऐसा होता है। अब जिनका शरीर मोटा है, कफ वाले मैंने बताया था ना, ऐसा होता है, तो उनको ये पतला होने वाला देना चाहिए। सिंपल है समझने में, क्योंकि यदि आप समझेंगे तो उतर जाएगा और नहीं समझेंगे तो रह जाएगा। तो मित्रों मैंने आसानी से आपको ये बात बताई है। अब टेस्ट पर जब बात करूंगी तब एक अलग बात करूंगी, पर अब आपको एक मोटा मोटा और बता दूं कि कितना कई बार विपरीत होता है, क्योंकि आयुर्वेद में जो चीजें वर्णित की जाती है ना मित्रों, उसको कहते हैं ना कि लॉजिकल समझना बहुत जरूरी होता है। यदि आप लॉजिकल नहीं समझते हैं तो कई बार आप बहुत बड़ी बड़ी छोटी छोटी कैसी भी गलतियां कर लेते हैं, जिसके परिणाम कई बार बहुत ही ज्यादा आते हैं। अब इसमें आपको बता दूं, हम कहते हैं कि भाई कफ के लिए मधुरस जिम्मेदार है, लेकिन आपको बता दूं आयुर्वेद में जितनी भी औषधियां कफ के लिए बनती हैं, जैसे शीतोपलादी चूर्ण है, नींबू शहद दे देते हैं हम, प्याज का रस और शहद दे देते हैं, अदरक का रस शहद बताते हैं, कितनी सारी चीजें जो सिर्फ शहद के साथ दी जाती हैं, और हम जबकि कहते हैं कि मधुर रस जो है वो कफ को बढ़ाता है, लेकिन औषधि शहद से भी बनती है मित्रों, और वो कफ की औषधि शहद से बनती है। वैसे मित्रों हमने कई बार सुना है कि घी जो है अग्नि को भड़काता है, आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है, घी जो है अग्नि को भड़काता है। लेकिन आपको बता दूं यदि पित्त रोग बढ़ जाता है तो उसको शांत करने के लिए सबसे उपयोगी जो कोई पदार्थ है, जो कोई चीज है, तो वो घी है, घृत है, गौ घृत जिसे हम कहते हैं, गाय का घी कहते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा मेरी जो रसोई की वीडियोस बनते हैं, जो मैं रसोई की वीडियो बनाती हूँ, सब में मेरे सिर्फ घी ज्यादा होता है, मैं तेल नाम मात्र से यूज करती हूँ, घी ज्यादा खाती हूँ। और मित्रों उसके बाद वात रोग की जो औषधि होती है ना, मेन औषधि वो तेल होती है। और आपको बता दूं तेल के नाम पे आपने सुना होगा कि कड़वा तेल ज्यादा असर करता है। अब कड़वा तेल मतलब ऑलरेडी वो कड़वा है, अब आप कटु गिनो चाहे तिक्त गिनो, कड़वा तेल तीखा होता है, वैसे वही कटु का स्वाद आता है। तो कड़वा तेल जो है मित्रों, अब आप बताइए, वो वात रोग की सबसे अच्छी औषधि है। यानी कि आप देखेंगे कि तीनों में जो बढ़ाने वाले कारण है उसमें एक बहुत बड़ा गुण ऐसा भी है, जैसे शहद और घृत और तेल, कि वो उसी का शमन भी करता है। अब ये कैसे करता है, क्या करता है, जब इन चीजों के गुण देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा। ऐसे मैं आपको बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार बहुत लंबा है, आप कई बार प्रश्न करते रहते हैं कि ऐसे कैसे होता है, ये क्या होता है, तो मैं कई बार आपको बता नहीं पाती, पर हाँ ये मैं आपको स्पष्ट कर रही हूँ। और मित्रों अब मैं इसी चैट को पलट रही हूँ ताकि आपको मैं ऋतु के अनुसार भी इस बात को बता सकूं कि ऋतु के अनुसार ये कैसे चलता है, हमारे उम्र के अनुसार ये कैसे चलता है, ताकि आपको सारी बातें स्पष्ट एक ही साथ में हो जाए। तो चलिए मैं आपको यहाँ वो भी बता दूं। अच्छा, अब कफ बात पित्त वापिस वहीं के वहीं है, आप देख सकते हैं, तो कफ पित्त वात तीनों हैं। अब आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है बचपन में, उसको अधिकांश कफ के रोग होते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको सर्दी जुखाम बुखार लगा ही रहता है, कान बहना, नाक बहना, आंखों में आंसू आना, या रोते तो बार बार हैं बच्चे, और आजकल तो चश्मे आ जाते सूखेपन की वजह से। तो ये सारी जो समस्या है मित्रों वो सारी कफ संबंधित है, जो बचपन यानी कि जो बच्चा छोटा होता है उसे कहे तो 10-12 साल की उम्र तक ये रोग ज्यादा होते हैं। उसके बाद जब एक बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, जब युवावस्था में आता है, जब वो बचपन से यहां आते हैं तो किशोरावस्था एक बीच में होता है, युवावस्था उसके बाद आती है, किशोरावस्था में आता है, मैंने लिखा नहीं है जानबूझकर क्योंकि हमें तीन ही देखना था इसमें उसको लिखा नहीं है, किशोरावस्था जब आती है तो किशोरावस्था में कफ जाने की तैयारी होता है, यानी कि आप देखेंगे उसको पिंपल्स आते हैं, बच्चे छोटे बच्चों को पिंपल्स नहीं आते हैं, पर जहां किशोरावस्था में आते हैं कि 10-12 साल के ऊपर जब होता है, आजकल के बच्चे थोड़े जल्दी भी बड़े हो जाते हैं, उस समय उसको पिंपल्स आते हैं, कफ जाने की तैयारी होती है और साथ ही पित्त बढ़ने की तैयारी होती है, यानी कि पित्त आना शुरू हो जाता है, तो उस समय उसको थोड़ा शरीर में गर्मी बढ़ती है और साथ ही गर्मी के साथ जब ये बढ़ता है ना कफ, तो वो पिंपल्स देता है, तो जाना है उसको आना है, तो ऐसी स्थिति में पिंपल्स आते हैं, साथ ही उसको गुस्सा भी आता है। आप देखो 12-14 साल का जब बच्चा पिंपल्स आने लग जाता है उसके बाद उसको कैसे गुस्सा आता है, छोटे बच्चों को गुस्सा आता है पर जल्दी शांत हो जाता है, पर जो बच्चा युवा होने लग जाता है यानी कि किशोरावस्था से आगे बढ़ता है तब उसको गुस्सा आता है, तो जल्दी शांत नहीं होता और उसमें एक जोश होता है, जुनून होता है और हिम्मत होती है। अब मित्रों आपने देखा होगा युवा जल्दी डरता नहीं है, युवा मजबूत होता है क्योंकि उसको ये पित्त की गर्मी से वो अभी ऊर्जावान है। और मित्रों गर्मी जो है ऊर्जा देती है, हम ऊर्जा को भी गर्मी के रूप से यानी कि जो एनर्जी होती है उसको भी गर्मी के रूप में ही जानते हैं, पित्त को भी हम उसी रूप में जानते हैं, तो जब युवावस्था की तरफ आता है तो उसमें पित्त जो है वो बढ़ता है, तो उस स्थिति में उसको ये
पिंपल्स आते हैं और सीधा उसका जो शरीर है वो विकसित होता, विकसित तो हो ही रहा है और आगे जाकर बढ़ता चला जाता है। और मित्रों जब एक उम्र, एक आयु 35-40, आजकल तो बुढ़ापा जल्दी आ रहा है इसलिए मैंने 35-40 गिनी, नहीं तो पहले 50 के बाद माना जाता था। तो मित्रों जब वो बुढ़ापा की स्थिति आती है तब वात बढ़ता है, यानी कि आप देखेंगे युवावस्था में जो रोग होते हैं कैसे, तो रोग कम होते हैं, यदि सम रहता है तो रोग कम होते हैं, पर हाँ फिर भी जब रोग होते हैं तो कैसे रोग होते हैं, आपने देखा होगा चर्म रोग ज्यादा होते हैं, बचपन में चर्म रोग होते हैं पर उतने ज्यादा मात्रा में नहीं होते, पर युवावस्था में चर्म रोग भी होते हैं, गैस एसिडिटी, कब्ज वगैरह, कब्ज कम पर गैस एसिडिटी की जो समस्या होती है युवावस्था में ज्यादा होती है, वृद्धावस्था में भी होती है, युवावस्था में, बाल्यावस्था में कम होती है, बचपन में कम होती है, पर हाँ धीरे धीरे बढ़ती है जैसे ही आगे बढ़ते, क्योंकि उसका खान पान रहन सहन भी थोड़ा बदलता है, टेस्ट बदलता है, तो सब चीजें होती हैं। अच्छा उसके बाद जो वात है, वृद्धावस्था में वात बढ़ता है, जब वो बोला ना एक युवावस्था ढलती है, आप कितने में ढलती है आपकी, आप कितने जल्दी बूढ़े होते, कई बार मैंने तो देखा आजकल बच्चे सीधे बचपन से सीधा बुढ़ापे में कदम रखते हैं, क्योंकि सीधा बैठते नहीं है तो उनकी चीजें सीधी होती नहीं है, उनको प्रॉब्लम बनी रहती है, तो वृद्धा बचपन से सीधा वृद्धावस्था में आते हैं क्योंकि सीधा बैठना उनको आता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनकी एनर्जी डेवलप नहीं हो पाती है। तो अच्छा अब हम वृद्धावस्था की बात करें, तो जो 35-40 आजकल की उम्र से देखा जाए तो 50 के बाद जो होती है वृद्धावस्था की शुरुआत होती है। अब मित्रों हिंदी में यदि देखा जाए वृद्ध होने का मतलब इंग्लिश वाला ओल्ड नहीं है, वृद्ध मतलब बढ़ना भी होता है। अब कई बार आप अनुभव बढ़ाते हैं, अनुभव के साथ आप क्या बढ़ाते हैं, आप अपने रोग भी बढ़ाते हैं, अनुभव के साथ आप सीख के अपने आप को और मजबूत बनाते हैं, ये सब कुछ व्यक्ति पर डिपेंड करता है। पर हाँ यदि आप आजकल होता क्या है कि अनुभव के साथ कुछ चीजें अच्छी तो कम होती है पर बुरी ज्यादा होती है, तो वृद्धावस्था में जो रोग आते हैं वो वात के रोग आते हैं। आप देखेंगे वृद्धों को अधिकांश जोड़ों में दर्द होते हैं, कहीं भी गठिया, गठिया वात, आम वात, कुछ भी ऐसा जो रोग होते हैं वो वृद्धावस्था में ज्यादा देखे जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आजकल युवावस्था में वृद्धावस्था का आनंद लोग लेने लगे हैं, क्योंकि आजकल युवाओं को भी मैंने देखा 25-30-35 में भी अच्छे से जॉइंट पेन पकड़ जाते हैं, लोग हाथ पैर पकड़ के बैठ जाते हैं, हमने देखा ऐसा, मेरे पास पेशेंट आते तो मैं जानती हूँ इस बात को, तो ये मैंने आपको बचपन ये स्पष्ट कर दिया, आशा आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब ऋतु के अनुसार, ऋतु वाला समझना थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, और आशा है मैं इसको एक बार, इसमें आपको समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा, मैं इसको पूरा अलग से चार्ट और बनाऊंगी, क्योंकि जो छह ऋतुएं हमारी जो छह ऋतुएं जो कही जाती है ना, हमारे यहाँ जो ऋतु होती है बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये कैसे होती है मित्रों, बसंत नवरात्रि आपको पता आती है, और बसंत नवरात्रि से जो हमारा शुरू होता है बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये छह ऋतु कैसे चलती है, वसंत के बाद ग्रीष्म इनकी गर्मी की ऋतु आती है, उसके बाद वर्षा ऋतु आती है। अब शरद को आप सीधा सर्दी से ना जोड़ दें, शरद उसका नाम है, वो सर्दी की ऋतु नहीं है, क्योंकि शरद और सर्दी लोग मिला के आगे बढ़ जाते हैं, वो नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद हेमंत से सर्दियां शुरू होती हैं और शिशिर में सर्दी भयंकर होती है, हेमंत और शिशिर ये सर्दियों की ऋतु कही जाती है, और ये वर्षा और शरद ये वर्षा ऋतु कही जाती है, और ये हम जो नॉर्मल जो मोटा मोटा मानते हैं बसंत और ग्रीष्म ये गर्मी की ऋतु कही जाती है। अब मित्रों ये ऋतुएं जो होती है ना अलग अलग प्रांत के हिसाब से अलग अलग हो जाती है, जैसे भारत बहुत बड़ा देश है और उसमें देखा जाए तो मुंबई में जो है फरवरी में ही हमको पसीने आने लग जाते हैं, पर दिल्ली वाले फरवरी में तो रजाई और कंबल उड़ के सो रहे होते हैं, और हमारे नवंबर में भी विशेष गर्मी सर्दी नहीं पड़ती है, और दिल्ली वालों को और जहां ऊपर वाले हैं वहां तो भाई आप देखते हैं कि नवरात्रि जाती दिवाली आती वहीं से ठंडी पड़ना शुरू हो जाता है, रात को उनको रजाई चाहिए होती है, यदि कश्मीर में जाए तो उससे भी ज्यादा हालत होती है कि भाई वहां तो करीब करीब 12 महीने कुछ तो लेना ही पड़ता है उड़ने के लिए, और जबकि मुंबई वाले तो ना पंखा चलाएं, सर्दी में पंखा नहीं चलाएं तो उड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो मित्रों इस अनुसार कुछ जहां प्रांत बदलते हैं उस अनुसार कुछ चीजें आगे पीछे होती हैं, और यह हमें अपने ऋतु के अनुसार समझ के लेनी पड़ती है ताकि हम उस चीज को ठीक से समझ सके, अन्यथा हम यदि एक ही अनुसार पालन करेंगे तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। और मित्रों हमारे यहाँ ऋतु के अनुसार फल भी आते हैं, और आप कई बार उल्टा देखते हैं, जैसे मैंने आप अक्सर एक बात बताई है कि गर्मी की ऋतु में आम का फल आता है, जैसे मुंबई में गर्मी में आम खाया जाता है, मुंबई, गुजरात और महाराष्ट्र में गर्मियों में आम खाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत वाले गर्मियों में आम नहीं खाते हैं, वो कहते हैं बरसात होने के बाद ही आम खाना चाहिए, क्योंकि वहां गर्मी में आम खाया जाए तो नुकसान कर जाता है, और यहां गर्मी में बरसात आने के बाद आम में कीड़े पड़ जाते हैं, मैंने यहां देखा है इसलिए मैं बता रही हूं। इसलिए मित्रों जो हम फल खाते हैं हमारे पास जिस ऋतु में जो फल उपलब्ध है हमें उस ऋतु में वो फल खाना चाहिए, क्योंकि वहां के लिए वही अनुकूल है, और यदि दूसरे प्रांत के अनुसार आप करने जाएंगे तो आपको प्रतिकूल हो जाता है, इसलिए आप जहां रह रहे हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, और उसी अनुसार आपका ये ऋतुएं भी डिसाइड होती हैं। तो मित्रों अब मैं ऋतुओं पे आती हूं, ऋतुओं के अनुसार कैसा होता है मित्रों, अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, हो सकता है आपको यहां ये वीडियो 2-4 बार भी देखना पड़े तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि क्या होता है
जो कफ है ना मित्रों, कफ बसंत ऋतु में बढ़ता है। इसको मैं एरो से अभी बता नहीं पाऊंगी, पर आप क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगी इस पर भी अलग से, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो क्या ना, जो कफ है ना मित्रों, वो बसंत ऋतु में बढ़ता है, यानी कि प्रकोपित होता है। अब बसंत ऋतु कब आती है मित्रों, ये जो होली आती है ना, होली से मान लो नवरात्रि के आसपास ये बसंत ऋतु कही जाती है। आप मानिए फरवरी मार्च, ये बसंत ऋतु फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल मान लीजिए, मार्च अप्रैल बसंत ऋतु आप मान लीजिए, फरवरी नहीं कह सकते, हाँ मार्च अप्रैल बसंत ऋतु कह सकते हैं। आप मानिए कि 10 मार्च के बाद से, 10 मार्च से 10 अप्रैल और 10 हाँ 10 मार्च से 10 अप्रैल एक महीना, 10 मई दो महीना, ये आप बसंत ऋतु के मान सकते हैं, ये बसंत ऋतु होती है मित्रों। तो आप इस समय देखेंगे कफ के प्रकोप ज्यादा होते हैं, यानी कि लोगों को कफ की समस्या ज्यादा होती है। तो अब जब कफ की समस्या होती है तो कफ को शमन करने के लिए हमें, जैसा कि आपको पहले ही बताया था, क्या लेना पड़ता है, कड़वा और ये सब लेना पड़ता है। तो जब वो कड़वा वगैरह खाते हैं तो उससे उनका वात दूषित हो जाता है, वात बढ़ जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में जब हम देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में वसंत ने सॉरी यहां थोड़ा गड़बड़ मैं कर रही हूं, वसंत ऋतु में जो वात प्रकोपित सॉरी कफ प्रकोपित होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में वो धीरे धीरे शांत तो होता है, क्योंकि हम जो खान पान करते हैं कफ के लिए वो उसको शांत करता है। लेकिन जैसा कि कफ को शांत करने के लिए मैंने बताया कैसी चीजें लेनी पड़ती है, हमने आगे देख लिया है, तो उससे फिर वात बढ़ जाता है, और जो वात बढ़ता है वो सीधा वर्षा ऋतु में प्रकोपित होता है। तो वर्षा ऋतु में वात प्रकोपित होता है, इसलिए वर्षा ऋतु में जो सेवन, मैंने आपको यहां ग्रीष्म बीच में भी छोड़ दिया है, क्योंकि जब कफ यहां बढ़ा है तो उसको शांत करने के लिए हमने ग्रीष्म ऋतु में जो प्रयास किए हैं, जैसा कि मैंने कहा ग्रीष्म ऋतु में मुंबई में आम आता है तो हमें वो खा लेना चाहिए, उत्तर भारत में कुछ और चीजें आती है, उत्तर भारत में जो जहां जो फल होता है आप ये मान लीजिए कि मौसम का फल आपको खा लेना चाहिए, तो वो आपके उस दोष को शांत कर देगा। तो अब जो आपने कफ को शांत करने के लिए वसंत में बढ़ा और ग्रीष्म में उसको शांत किया है, तो उससे आपका वात प्रकोपित होता है, और इससे जो वात प्रकोपित होता है वो आपका वर्षा ऋतु में उसका प्रकोप आपको दिखाई देता है, यानी कि वर्षा ऋतु जब आती है आप देखते हैं जोड़े जाम होने लग जाते हैं, जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। इसलिए वर्षा ऋतु में जोड़ों का दर्द जब बढ़ता है तो कहा जाता है क्या खाइए, कड़वे तेल के यानी कि सरसों के तेल के घाने के तेल के पकौड़े खाइए, तो वो आपके लिए अच्छे हैं। इसलिए जब वो वात शांत करते हैं, यानी कि वात शांत करने के लिए जो पकौड़े खाते हैं, जो गरम गरम चीज हम खाते हैं, थोड़ी गर्म, क्योंकि ज्यादा गर्म खा नहीं सकते, थोड़ी मेथी वगैरह भी ले सकते हैं, वो एक मेथी अजवाइन और काली जीरी का जो प्रयोग है कई बार आपने पढ़ा होगा कई जगह, तो वो भी यहां किया जाता है, वर्षा ऋतु में ही किया जाता है। तो उसके कारण शरद ऋतु में आते आते यदि जिनकी पित्त की प्रकृति उनका पित्त प्रकोपित होने लग जाता, तो किसी किसी को शरद ऋतु आते आते क्या हो जाता है, इनको शीत पित्त वालों को शीत पित्त की समस्या हो जाती है, और जिनको पित्त की समस्या नहीं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो वर्षा और शरद साथ में चलेंगे। पर जो वात रोगी है ना उनका ये चार महीने जोड़ों का दर्द करीब करीब ये चार ऋतुओं में जोड़ों का दर्द थोड़ा बहुत बना ही रहता है, क्योंकि वो शांत करने के प्रयास करते रहते हैं और वो थोड़ा बहुत होता रहता है। अब यहां जो आपने बोला ना कफ को शांत, वात को शांत करने के लिए वर्षा ऋतु में और शरद ऋतु में जो प्रयास किए, उसके बाद हेमंत ऋतु में प्रकोपित होता है पित्त। भर सर्दी की ऋतु में आपने देखा होगा कि पतझड़ आता है, पत्ते झड़ते हैं, सूखापन इतना ज्यादा होता है कि इस ऋतु में, हेमंत ऋतु में, क्योंकि जो हम वात शांत करने के लिए वर्षा और सर्दी में जो सेवन करते हैं उससे हेमंत में जाकर पित्त प्रकोपित होता है, भर सर्दियों में पित्त बढ़ता है। कितनी बड़ी टेढ़ी बात है ना मित्रों, पर ये सच्चाई है। इसलिए जो शीत पित्त वालों को शरद से लेकर हेमंत शिशिर और वसंत तक समस्या बनी रहती है, जिनको शीत पित्त की समस्या है, जिनको चकत्ते आते हैं, दरोरे पड़ते हैं, उनको बहुत बड़ी समस्या होती है इस समय में, तो ये उनके लिए बहुत ही भयंकर ऋतु होती है, जहां एक तरफ वात वालों को वात बढ़ता है और वहीं पित्त वालों को शीत पित्त की समस्या सताती है, यदि होती है तो, जिनको नहीं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब क्या होता है, आपने इसलिए देखा होगा कि जिनको गर्मी बढ़ती है तो गर्मियों सर्दियों की ऋतु में उनको अक्सर पेट जाम हो जाता है, पेट साफ नहीं होता है, नाक से खून भी आ जाता है, किसी किसी को ऐसा होता है मित्रों, और गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी के बहुत सारे रोग आपने देखे होंगे सर्दियों में उभरते हैं। आप कई बार कहते हैं कि सर्दियों में इतनी सारी गर्मी होती है, हाँ मित्रों सर्दियों में इतनी सारी गर्मी निकलती है क्योंकि आपकी समस्या, और मित्रों इसलिए सर्दियों में अंग भी फटते हैं, जो अंग फटते हैं वो गर्मी से फटने लग जाते हैं, जैसे बोला ना पेड़ों के पत्ते पतझड़ में झड़ते हैं, पतझड़ इसी समय आता है, कि आपने देखा होगा दिसंबर के महीने में पतझड़ आता है,
तो दिसंबर के महीने में जो पतझड़ आता है वो गर्मी होता है। आप देखो दिसंबर में हर चीज सूखी सूखी कुरकुरी सी हो जाती है। मैंने मुंबई का वातावरण मैं बता दूं मित्रों, हमारे गर्मियों में इतना सूखापन नहीं होता है जितना दिसंबर में होता है। दिसंबर जनवरी में जो सूखापन यहाँ का होता है ना, उसमें क्या होता है आपको बता दूं, तो यहां मैंने देखा बिस्किट 4 घंटे बाहर रख दो तो कुरकुरा रहता है, और वो इस गर्मियों में रख दो तो ठंडा पड़ जाता है, क्यों नरम पड़ जाता है। ये मैंने अपने अनुभव की मैं बात बता रही हूँ। अच्छा, अब हम क्या करते हैं पित्त को शांत करने के लिए, आप जो ऋतु आती है हेमंत की ऋतु हम बोले तो आपको ये दिवाली के आसपास की, तो दिवाली से जो हम कहते हैं वो इसकी ऋतु होती है, हेमंत ऋतु होती है। तो आप देखेंगे दिवाली पे जो पकवान बनते हैं आपने देखा होगा उसमें घी आदि का प्रयोग ज्यादा होता है, तेल का प्रयोग नहीं होता है। जितनी भी मिठाइयां बनती है घी की बनती है, और उसमें ड्राई फ्रूट अब हम डालने लग गए मित्रों, अन्यथा उसमें ड्राई फ्रूट नहीं पड़ते हैं। दिवाली की मिठाइयों में ड्राई फ्रूट नहीं होते हैं, दिवाली की मिठाइयों में क्या होता है सिर्फ घी की मिठाइयां होती हैं। और उससे पहले मित्रों आपने शरद ऋतु जो हमने देखी है, शरद ऋतु में क्या खाया जाता है, शरद पूनम के दिन दूध पौवा दूध की खीर खाई जाती है, क्योंकि हमें पित्त को शांत करना है ताकि शीत पित्त जैसे लोग परेशान ना हो और उनको शांत बना रहे, तो वहां वो संकेत हमें मिल जाता है। उसके बाद हमें दिवाली की मिठाइयां बनानी है, घी की बनानी है ताकि पित्त को शांत किया जा सके, ताकि हेमंत और शिशिर ऋतु में पित्त का जो दोष होने वाला है उसकी सीमा कम रहे, यानी कि न्यून मात्रा रहे, क्योंकि हमारा जो खान पान रहे सर सब कुछ ऋतुओं पे डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, आपने देखा हेमंत ऋतु बीती, उसके बाद जब शिशिर ऋतु आती है, शिशिर ऋतु आती है जनवरी फरवरी में, जैसा कि मैंने बोला मार्च अप्रैल बसंत है, और अब मई जून ये आपका ग्रीष्म हो गया, जुलाई अगस्त वर्षा हो गया, सितंबर अक्टूबर शरद हो गया, नवंबर दिसंबर ये अपना हेमंत हो गया, और जनवरी फरवरी ये शिशिर हो गया। तो इस तरह हम इसको गिन सकते हैं, 10 दिन आगे पीछे ले लेते हैं, जहां जिस प्रांत में आप रहते हैं उस अनुसार हो जाता है। मैंने लिखा नहीं है, हाँ मैं ये बताना भूल गई थी, इसलिए मैंने अच्छा वो बता दिया, नहीं तो आप फिर पूछते कि कौन सा महीना होता है, तो मैंने आपको ये जनवरी फरवरी के हिसाब से बता दिया। तो मित्रों शिशिर ऋतु आती है जनवरी फरवरी में, तो आपने देखा होगा मकर संक्रांति पे भारत के प्रत्येक प्रांत में चलन है तिलगुड़ खाने का, तिलगुड़ खाने का, तिल की और उसकी पट्टी बनाते हैं, चीकी बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स की चीकी खाते हैं, वो सब हम कब करते हैं शिशिर ऋतु में, यानी कि मकर संक्रांति पे, नहीं गर्मी सॉरी भर सर्दी में। अब हम वो हेमंत में नहीं करते, मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि हमें उस समय पित्त को शांत करना है। अब आपको बताऊं जनवरी में आप बोलेंगे पित्त खत्म हो गया, हाँ यहाँ पित्त शांत हो जाता है। अब मेरे जैसों का पित्त शांत नहीं होता, इसलिए हम शिशिर में भी तिलगुड़ नहीं खा पाते, मुश्किल से एक आध तिलगुड़ खा ले तो बहुत हो गया, पर जिनको कफ के रोगी हैं उनको अब कफ बढ़ने वाला है बसंत में, क्योंकि घूम के वापस हम ऊपर पहुंच जाएंगे, तो उनको इसलिए कफ ना बढ़े इसलिए शिशिर ऋतु में उनको क्या दिया जाता है, तिलगुड़ की चीजें खाइए और अपने कफ को शांत करिए। और जिसलिए ये कहा जाता है मित्रों, जिनको कफ की प्रकृति है उनको तिलगुड़ शिशिर ऋतु में खाना ही चाहिए और अच्छे से खाना चाहिए, और जिनको वात मिश्रित कफ है, क्योंकि मैंने अभी मिश्रित प्रकृति आपको नहीं बताई है, मैं आगे बताऊंगी आपको, वात मिश्रित कफ है उनको तिलगुड़ पक्का खाना चाहिए ताकि उनको ये समस्या ना सताए, पर जिनको पित्त और वात है उनको तिलगुड़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यहां जो हवा चल रही है गर्म चल रही है, और यहां जो हवा चलती है वो ठंडी चलती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये जो हवा है ये कफ के साथ है तो ठंडी है, और यह यदि पित्त है अग्नि भी है तो ये गर्म हो जाएगी, ये हवा है, सीधी सी बात आपको बता दूं ये हवा है तो ये गर्म हो जाती है मित्रों। और मेरी जो मैं अपनी इसलिए बार बार अपना नाम इसलिए लेती हूँ मित्रों, ताकि आपको मेरे से काफी चीजें मेरे बारे में आप जो जानते हो आपको स्पष्ट हो जाए कि मेरे शरीर में पित्त और वात बढ़ा है, इसलिए मैं घी का सेवन करती हूँ और 12 मास करती हूँ। मेरा 12 मास घी का सेवन करने के बाद भी मेरा कभी भी कफ बढ़ता नहीं है, वो शांत रहता है, तो इसलिए मैं घी का सेवन करती हूँ, पर मेरे लिए तिलगुड़ नहीं बना है, मेरे लिए गर्म चीजें नहीं बनी हैं, इसलिए मैं उनका सेवन नहीं कर पाती हूँ। अब मित्रों ये बात मैंने आपको कुछ बातें स्पष्ट कर दी हैं, एक ऋतु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, और अब मुझे जो कुछ स्पष्टीकरण करने हैं आपके प्रश्नों के आधार पे भी होंगे, और उसके साथ में मुझे 2 वीडियो मुझे पता है, एक ऋतु के अनुसार कफ वात पित्त मुझे बताना है, और साथ ही एक स्वाद के अनुसार कफ वात पित्त आपको बताना है, ये मुझे 2 वीडियो अलग से बनाने, ये मैं जानती हूँ। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा, आपको कितना समझ में आया, कितना क्लियर हुए हैं अपने कफ वात पित्त दोष के लिए मुझे बताइएगा, ताकि मैं आगे और क्या करना है मुझे भी स्पष्ट हो सके। हाँ मित्रों वीडियो काफी लंबा हो गया, मुझे नहीं पता कितना समय निकल गया, आई थिंक पता नहीं, मैं नहीं कह सकती कितना लंबा हो गया, तो मित्रों आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं आशा करती हूँ, और वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो हमने स्वास्थ्य नियम प्राणायाम व्यायाम के वीडियोस दिए हैं उनका पालन करके आप तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों का समाधान कर सकते हैं। जांच विभाग प्लेलिस्ट में आप अपनी प्रकृति कैसे जांच हमने दिए हैं, और विभिन्न रोग हैं मित्रों हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट में वीडियोस दिए हैं जिससे आप अपने सभी रोगों का समाधान कर सकते हैं।
और आगे इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर का लिंक है जहां हमें फॉलो कर सकते हैं। वह मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह देते रहते हैं जो आपके जीवन जीने में और जीवन के निर्णय लेने में काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।